टाइम होना चाहिए वर्किंग, ऑनलाइन वर्किंग करने के लिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई जॉब के पर्सन हैं आप, तो आपके पास टाइम, आपने जो है ना, आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समर जट समर स्टूडियो के साथ आज आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब SEO के बारे में, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम रखने वाली चीज़ है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रखने वाली चीज़ है। क्योंकि फ्रीलांसिंग जो है, इसके बीच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, इसमें SEO ही को देखा जाता है। आप जहाँ पर भी जाएंगे, आपको SEO के बारे में ही पूछा जाएगा। आपकी वेबसाइट है, आपने उसकी SEO करनी है। आपका कोई ब्लॉग है, आपने उसकी SEO करनी है। आपने आपकी कोई फेसबुक की प्रोफाइल है या पेज है, उसकी भी आपने SEO करनी है। आपका यूट्यूब का चैनल है, आपने उसकी भी SEO करनी है। क्योंकि जो SEO है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे वर्क के लिए। आजकल देखा जाए तो हर बंदा माशाल्लाह से यूट्यूब के चैनल के ऊपर आ रहा है, यूट्यूब के चैनल बना रहा है, क्रिएट कर रहा है और वर्किंग कर रहा है यूट्यूब के चैनल के ऊपर, ताकि वो अर्निंग कर सके और पैसे कमा सके। तो इसीलिए आज इस मकसद से मैं जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि ताकि जितने भी लोग हैं जो नहीं जानते कि SEO क्या चीज़ है असल में यूट्यूब की, तो उसके बारे में हम आज बात कर सकें। तो हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमने SEO जो है वो किस तरीके से करनी है और उसको किस तरीके से हमने लेके चलना है। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते रहें। से वीडियो को कम नहीं करना, स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया तो आपका कोई ना कोई पैराग्राफ छूट जाएगा या कम मिस हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को सही तरह से वीडियो की समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अहम है और इम्पोर्टेंट भी है, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आप इसीलिए पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, किसी भी स्टेप को स्किप ना करें। ठीक है, और चैनल जी। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप लोग आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास यूट्यूब का एक मेरा पेज खुला हुआ है, मेरी प्रोफाइल है। तो आप लोगों ने YouTube की SEO किस तरीके से करनी है, उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है Google के ऊपर और आपने F और T, सॉरी FT नहीं लिखना है यहाँ पे आपने। मेरे पास ये एक्सटेंशन है, इसका नाम आप देख लेते हैं, ट्यूब बड़ी। ये ट्यूब बड़ी की आपके पास एक्सटेंशन आएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने क्या कहते हैं क्रोम के अंदर। मेरे पास तो ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी तो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये शो किस तरह होगी, आपने ये छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाके ये जैसे ये सिंपल वाइट कलर का है तो आपने इसको प्रेस करना है तो ये ब्लू हो जाएगा, जैसे ये मेरे यहाँ पर होम है ब्लू हो। ठीक है, तो ऐसे आपने एक तो ये ट्यूब बॉडी की एक्सटेंशन जो है इसको इंस्टॉल करना है और फिर दूसरा यहाँ पर आएगा आपके पास VidIQ, आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है VidIQ। ये इस तरह का ऑप्शन है जो आपको नज़र आ रही होगी, तो आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। इसकी जो अपनी वेबसाइट्स हैं इनकी, उसी से आपने एक्सटेंशन जो है ना उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अदरवाइज आपने किसी और वेबसाइट से इंस्टॉल नहीं करना, नहीं तो आपको जो है वो दो नंबर जो है फेक प्रोफाइल वहाँ से इंस्टॉल की वो, तो उसका फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए एक्सटेंशन का बटन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल होती है, इंस्टॉल क्रोम इंस्टेक्शन, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास। तो ये जैसे ही यहाँ पर मेरे पास ये शो हो रही है, यहाँ पर आपके पास भी ये शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये VidIQ विजन ऑफ YouTube, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है इंस्टॉल हुई है। यहाँ पर देखते हैं मेरे पास ये वाली है या दूसरी है। ये देखें मेरे पास आ रही है रिमूव फ्रॉम क्रोम, यानी कि मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हमने जाना है इसको, जैसे ही आप ये इंस्टॉल कर लेंगे, आपने सीधा जाना है अपने फेस यानी कि यूट्यूब चैनल के ऊपर और जाके आपने अपनी वीडियो निकालनी है, कोई सी भी वीडियो आप निकाल लें। ठीक है, कोई भी आपने वीडियो निकालनी है और
तो आप जैसे ही वीडियो निकालेंगे अपनी, कोई भी वीडियो आप निकालते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये इस तरह से जो आपके पेज शो हो रहा है आपके पास आ जाएगा। और आपने यहाँ से कोई भी अपनी वीडियो ओपन कर लेनी। जैसे मैं ये वाली वीडियो अपनी ओपन करता हूँ, तो इसको ओपन करने के बाद मैं इसको पॉज कर देता हूँ। जैसे ही इसको पॉज करेंगे तो यहाँ पर आपके एक्सटेंशन के ज़रिए जो आपने इंस्टॉल्ड की होंगी, तो उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे ये SEO आ जाएगी। ये आपकी 100 होनी चाहिए, ये आपकी SEO जो है ये 100 होनी चाहिए। जैसे ये मेरे पास ग्रीन कलर का पेज आ रहा है, यानी कि ये ग्रीन कलर का लोगो आ रहा है, आपने इसको देखना है क्योंकि ये है SEO है, ठीक है। इसी के ज़रिए आपके जो है ना यूट्यूब की जो सर्चिंग होती है वो इसी के ज़रिए होती है, तो आपने इसी को देखना है, आपने किसी और चीज़ को नहीं देखना, ठीक है। फिर आपने करना क्या है कि अब मेरी इसकी तो SEO हुई पड़ी है, तो अब आप हम किसी और वीडियो की निकालते हैं जिसकी SEO नहीं हुई हुई, तो हम उसकी SEO करते हैं कि किस तरीके से हमें उसकी SEO जो है वो मेंशन करनी है। तो अब ये वाली वीडियो निकालते हैं, इसकी चेक करते हैं इसकी SEO क्या है। मेरी तकरीबन सारी वीडियोस की SEO होती हैं क्योंकि मैं करके लगाता हूँ SEO सारी, तो इसीलिए मेरी जो है ना तकरीबन हर वीडियो की SEO होती है। तो मुश्किल है कि कोई वीडियो निकलेगी मेरे पास से, और फिर भी मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि कौन सी वीडियो है जिसकी SEO होने वाली है। यहाँ से आपने क्रिएटर स्टूडियो पे आना है डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएटिव स्टूडियो पे आएंगे, तो आपने ना अपनी वीडियो जो आपकी होने वाली है ना SEO जिसकी होने वाली है, तो आप अपने पेज से ही उसकी SEO कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी SEO नहीं होगी, क्योंकि वो फिर आपको जो है ना वो बताएगा नहीं, शो नहीं करेगा SEO किस तरीके से करनी है। बहरहाल मैं आपको इसकी जो है SEO करके दिखा देता हूँ कि करनी किस तरह से है आपने। शायद इसकी भी मेरा ख्याल है हुई होगी, नहीं इसकी नहीं है। देखिए ज़ीरो आ रही है ना, ये ज़ीरो आ रही है आपके पास SEO। अब आपने इसको करना है किस तरीके से है कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही है क्योंकि मैंने चैनल दूसरा ओपन किया हुआ है। स्विच टू समझ टू, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये एडिट वीडियो आ रहा है, यहाँ से एडिट वीडियो के ऊपर चले जाना है आपने, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर आपके पास जब एडिट वीडियो आ जाती है, तो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर लिखनी है, आपका वो क्रिएटर स्टूडियो जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको सारे को रिमूव करके यहाँ पर एक प्यारी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, और ये जो टाइटल है इसको आपने कॉपी करना है, इसको भी आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, यहाँ पर लगा देना है। फिर उसके बाद आपने आना है यहाँ से गूगल और क्रोम ओपन करके, यहाँ पर आपने लिखना है कीवर्ड। कीवर्ड का ये टूल आएगा, इसके ऊपर ये लोगो लगा होगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिस चीज़ की आपने SEO करनी है या किसी चीज़ के ऊपर आपने लगानी है, तो आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। हमने YouTube की करनी है तो हम YouTube सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर हम लिख देंगे जी, कीवर्ड्स के बारे में सर्च कर लेंगे हम कि हमने कौन सा कीवर्ड लगाना है या कौन से टैग्स लगाने। तो यहाँ पर हम स्टेटस के का नाम शो करेंगे, स्टेटस के बारे में क्या कहता है, तो कितने हमें टैग्स जो है वो स्टेटस के बारे में देता है। ये देखिए यहाँ पर इसने 717 टैग हमारे पास शो किए, तो यहाँ पर हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेटस को, स्टेटस वीडियो, स्टेटस सॉन्ग, ये आपने 20 स्टेटस जो है ना वो टोटल सिलेक्ट करने होते हैं, वो आपने सिलेक्ट कर लेने हैं अच्छे तरीके से। तो फिर उसके बाद जाके आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने इसको वहाँ पर पेस्ट कर लेना है।
ये हमारे पास स्टेटस हो चुके हैं 20। यहाँ से आपने आना है, यहाँ पर कॉपी करना है आपने इसको। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपने चैनल पे जाना है। यहाँ पर आके आपने इसको इनकी ये टैग का ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर आपने लाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये 500 टैग्स मांगता है। आपके पास जब 20 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 366 आ जाएंगे, यानी कि जितने भी आएंगे लेकिन 500 से ज़्यादा आपने ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, फिर इन्हीं टैग्स को आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने इसको लगाना है, यहाँ से पेस्ट कर देना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और हर टैग के आगे कोमा लाजमी लगाना है, कोमे के ऊपर आपने जो है ना वो हिचकिचाहट नहीं करनी है जरा सी भी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिंक लगा दिया, यहाँ पर आपने टाइटल लगा दिया, डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल लगा दिया, और अब ये ही टाइटल आपने जो है ऊपर करके यहाँ से कवर करके कॉपी करके आपने इसको इन इस टैग में भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने लगा दिया है, ये आपकी होगी SEO कंप्लीट यहाँ पर इस टाइम। ठीक है, आपके टैग डिस्क्रिप्शन में भी आ गए, आपके टैग जो है टाइटल में भी आ गए, आपका टैग जो है टैग्स में भी सेट हो गया है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी ये वीडियो हमें क्या शो करती है। तो अब आपको सारा कुछ जो है वो साफ नज़र आ जाएगा कि मैंने जिस तरीके से इसकी वो की है, SEO की है, वो आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर हम आते हैं, क्रिएटिव स्टूडियो आ गया है ये, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं दोबारा से यूट्यूब को। यूट्यूब हमने ओपन किया है, यहाँ से हम अपना पेज ओपन करेंगे। ये हमने अपना पेज ओपन किया है, और सॉरी, यहाँ से हमने फिर वीडियो निकाल ली है। अच्छा, हमने कौन सी वीडियो निकाली थी, ये वाली। तो इसको हम चेक करते हैं कि इसने हमें क्या जो है परफॉर्मेंस शो की है। पहले इसकी 0 आ रही थी SEO, और अब चेक करते हैं अब क्या ये SEO हमें शो करता है। आप लोगों ने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मेरे पास अभी टाइम नहीं था, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसीलिए मैंने जो मेरे पास आ रही थी मैंने वही लिख दी। अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फिर देखेंगे 95 में आ गया। अब इसने क्या क्या दिया हमें, टैग्स इन जिस टाइटल जो है वो 15-20 हो गए, टाइटल में जो टैग्स आए थे वो 15-20 है, यानी कि हमने जो टाइटल में टैग लगाए हैं वो हमने पूरे नहीं लगाए, हमने कम लगाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टैग्स इन टाइटल में जो टैग्स हैं वो 20-20 हैं, और डिस्क्रिप्शन में टैग्स जो हैं वो 15-20 हैं। फिर टैग्स इन डिस्क्रिप्शन जो आ रहा है वो 20-20 कर दिया है हमने, टैग्स इन करेक्टर्स जो हैं वो 20-20 हैं, टैग्स वर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन जो है वो 20-20 है, यानी कि हमारी SEO जो है कंप्लीट होगी। ये आपने देखना, जब ये ग्रीन हो जाएगी ना आपकी, ये 95 तक होनी चाहिए, 95 से कम नहीं होनी चाहिए, 95 तक तकरीबन होनी चाहिए, या इसे ऊपर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे SEO अच्छी रहती है और आपकी सर्चिंग वीडियो जो है वो टॉप के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी सारी और कंप्लीट आ गई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ जितना मेरे पास इलम है, अल्लाह ताला ने मुझे जितना दिया है, बेशक थोड़ा दिया है या जितना भी मेरे पास है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी ये जान सकें, ये आप लोगों को पता लग जाए कि हमने अर्निंग जो है ऑनलाइन किस तरीके से करनी है। आप लोगों को ज़्यादा जो है ना ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आप लोगों ने वर्किंग किस तरह करनी है। सबसे पहले जो चीज़ है, जो अहम रखने वाली चीज़ है, आपके पास क्योंकि आपको टाइम निकालना पड़ेगा फ्रीलांसिंग करने के लिए, आपको चैनल बनाना है। अगर आपने यूट्यूब का चैनल जो है, आज की हमारी वीडियो जो है वो यूट्यूब के चैनल के ऊपर है, इसीलिए आपने यूट्यूब के चैनल बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, आपके पास वक्त होना चाहिए, ताकि आप अपना टाइम दे के अपनी वीडियोज़ को जो है वो क्रिएट कर सकें, बना सकें, ताकि आपके पास जो है फ़ायदा हो, आपके पास मवाद इकट्ठा हुआ हो जिसको आपने यूट्यूब की वीडियो के ऊपर लगाना है।
ताकि आप पैसे कमा सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके दो चीज़ों की ज़रूरत है, या तो आपके पास सेलफोन होना चाहिए या आप लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप तो मस्ट है ना, आपके पास लैपटॉप होगा तो आप वर्किंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अदरवाइज आपको जो चीज़ लैपटॉप प्रोवाइड करता है ना, वो आपको मोबाइल जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो जो मोबाइल प्रोवाइड करता है वो लैपटॉप नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपके पास लैपटॉप और मोबाइल होने दोनों ज़रूरी हैं, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो, आपकी वर्किंग में आपको कोई परेशानी ना हो। आप एक बंद कमरे में बैठे हुए हो, वहाँ पर आप सारा दिन बैठ के मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम तक आप सर्चिंग 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 करते रहें, और उसके ऊपर आप लोगों को जो है एक वीडियो जो आप बनाएं उसके ऊपर, और आपको उसका इतना फ़ायदा हो आप लोगों को कि आप के ऊपर जो है ना उस वीडियो के इतने व्यूज़ आ जाएं, ताकि आपके जो चैनल है वो या तो मोनिटाइज हो जाए, या उसकी वीडियो जो है वो अप लेवल पर चली जाए और आपके व्यूज़ अच्छे हों और आपकी जो पेमेंट है वो अच्छी बन सके। ठीक है, तो आज का हमारा जो है वो वर्किंग इसी चीज़ के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। आपका भाई हूँ मैं, सर वगैरह नहीं हूँ आपका, कुछ भी आप लोगों ने मुझे नहीं इस तरह से बुलाना। ठीक है, भाई भाई बुलाना है आपने, अगर समझते हैं आप तो भाई ही बुलाइएगा मुझे। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला ग्रोथ करने में हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। जो मुझे आपसे सीखने से मिलेगा वो मैं सीखता रहूँगा, और जो आप लोगों को मेरे से सीखने का मिलेगा वो आपको मैं सिखाता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आप लोग इजाज़त दीजिए मुझे फिर।